इंसिडेंट मैं यही कह सकती हूँ कि उससे ज़्यादा एंटरटेनिंग इतना कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ। और कोशिश हमने ये की और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो फ्रेशनेस जो नयापन होगा कहानी का तो नयापन है ही उसमें जॉन साहब इस फिल्म में है और श्रुति है इस फिल्म में उससे ऑटोमेटिकली जो लीड प्लेयर है उससे ऑटोमेटिकली सुनायापन आ गया। जॉन इस फिल्म को करते हुए अनिल कपूर की कौन सी ऐसी बात है जो आप सबसे शेयर करना चाहें? जी आई थिंक एनर्जी मत बोलना एनर्जी नहीं बोल रहा क्योंकि वो वैसे भी तो काफ़ी एनर्जेटिक है और सेट पे भी काफ़ी एनर्जेटिक है लेकिन एंथुजियास्टिक और हर एक शॉट में जिस तरीके से मिस्टर अनिल कपूर इंटरेस्ट लेते हैं एक एक शॉट में और हम लोग दोनों की जो जुगलबंदी है जिस तरीके से रेस टू में भी और ज़्यादातर शूट आउट एट वडाला में भी हम लोग की जो केमिस्ट्री थी आई थिंक वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री इन दिस फिल्म और जैसे इंटरमिशन में एक सीन है जहाँ हम दोनों का एक फेस ऑफ है आई थिंक वो काफ़ी दिलचस्प रहा इट वॉज वेरी एक्साइटिंग टू शूट इट और ऑडियंस विल लव इट। फिरोज खान डेफिनेटली उसको यू नो देयर इज नो अल्टरनेटिव और ही इज इररिप्लेसेबल खान साहब की बात ही हो रही है उनकी पर्सनैलिटी उनका प्रेजेंस मगर इसमें नसरुद्दीन शाह साहब वो रोल अदा कर रहे हैं ना वांटेड भाई का उसमें आर डी एक्स था उसमें वांटेड भाई और नसीर साहब तो आपको पता है कि हिंदुस्तान में नहीं मगर पूरी दुनिया में दुनिया के मशहूर कलाकार हैं और वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड सो यू नो दोनों का स्टाइल अलग अलग है मगर कहीं ना कहीं फिरोज साहब को हम मिस ज़रूर करेंगे मगर कोशिश की है कि यू नो वांटेड भाई भी कम नहीं। Terrific, absolutely. All of you all were fantastic. You know, I've been to so many radio stations all over India, including internationally, but this has been the best experience of my career. Outstanding performances. I mean, each one of them, fantastic. It takes a lot of guts. मतलब जो आप लोगों ने किया अभी, it takes a lot of guts to dance in front of your own colleagues and in front of people like us who do it for the rest of the world. So. Hats off and a big hand to all of you all. You're fantastic.